जी तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी अब्दुलरहमान। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की बैक साइड का कलर, किसी भी पेज का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की बैक साइड। जैसे हमें यहाँ पे बैक साइड पे वाइट कलर नज़र आ रहा है, तो इस वाइट कलर को हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं किसी और कलर में। तो इसके लिए आपने डिज़ाइन के मेन्यू में जाना है। डिज़ाइन के मेन्यू पे आप क्लिक करें, यहाँ पर एंड पे आपको ये पेज कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। पेज कलर के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बेशुमार कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपकी पेज का बैक साइड का कलर सेलेक्ट हो जाएगा। देखें, ये यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट के बैक साइड का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मजीद कलर्स चाहिए तो ये आप मोर कलर्स के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें, आपको यहां पर काफी सारे और कलर्स कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। देखें यहां पर जिसमें मैं क्लिक करूंगा वो यहां पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप कोई भी कलर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई, ये जो करंट है अभी जो बैक साइड पे हमारा कलर चल रहा है, और यहां पर आप कोई और अपनी मर्जी से कलर ले सकते हैं। इसको मैं ओके करता हूं, या यहां पर देखें ये कुछ यहां पर भी आपको कलर नजर आ रहे हैं। तो जो कलर आप यहां से लेना चाहते हैं, ब्लैक में लेना चाहते हैं, वो आप इसको यहां से सिलेक्ट करके इसको ओके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर मोर कलर के बाद फिल इफेक्ट्स, अगर आप कोई इफेक्ट्स वो बैक साइड पे लगाना चाहते हैं कैसे, देखें यहां पर आपको देखें कुछ इफेक्ट्स में आपको नजर आ रहा है। ये ऊपर लाइट है, नीचे डार्क है, या ऊपर डार्क है नीचे लाइट, या ऊपर और नीचे लाइट आपको नजर आ रहा है, सेंटर में डार्क कलर, या आप देखें यहां पर ये इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट नजर आए। ये देख लें कितने प्यारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पर। ये वाला इफेक्ट आप ले लें, ओके। तो देखें आपके बैक साइड पे इस तरह से इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें इसी के अंदर इफेक्ट्स के अंदर आए तो टेक्सचर, कुछ टेक्सचर चाहे आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला आप लगा लेते हैं, ओके कर दें। तो इस तरह का देखें ये, लेकिन आपके टेक्स्ट के ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि टेक्स्ट आपको इसमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आप इसका कोई और टेक्सचर इस्तेमाल करते हैं, फिल इफेक्ट्स में जाएं, टेक्सचर में ये वाला अप्लाई करें, या काफी सारे और भी होंगे। इधर देखें कितने ज्यादा ये टेक्सचर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यहां से हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके करें तो ये देखें इस तरह से टेक्सचर भी हैं। मजीद अगर देखें इसी के अंदर आप इफेक्ट्स के अंदर जाएं, ये पैटर्न, अब ये देखिए कुछ पैटर्न स्टाइल है आपके पास, ये आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर, कोई लाइट सा लेते हैं ताकि आपका टेक्स्ट नजर आए, ओके। तो ये देखें इस तरह से पैटर्न टाइप भी आप ले सकते हैं। मजीद इसके अंदर देखते हैं और क्या चीज हमें मिलती है, पिक्चर। अब आप अपने बैक साइड पे कोई पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से, तो आप यहां से ब्राउज करें, सिलेक्ट पिक्चर करें, ठीक है, प्लीज वेट, अच्छा फ्रॉम अ फाइल ब्राउज करें। ऑनलाइन अगर आपने कोई लेके आनी है या वन ड्राइव से लेके आनी है, हम यहां से कोई पिक्चर लेते हैं, देखते हैं सेव पिक्चर के अंदर आपके पास अगर कोई पिक्चर, कोई नहीं है डेस्कटॉप पे मैं देखता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई है, मैं इसको लगाना चाह ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है, ये जेपीजी में ओके कर दें। तो ये देखें वो पिक्चर मेरी बैक साइड पे आ गई है, वो काफी बड़ी पिक्चर थी इसलिए वो थोड़ी सी आपको शो हो रही है। तो ये बैकग्राउंड के स्टाइल वगैरह आप अपनी मर्जी से चेंज, या सिंपल कलर हम यहाँ से ले सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आपने अपने बैकग्राउंड का कलर खत्म करना, जैसे मैंने इसके ऊपर कलर कर दिया है, या इफेक्ट लगा दिया है, या टेक्सचर लगा दिया है, या कुछ और ऑप्शन आपने लगा दिया बैक साइड पे, तो उसको आपने खत्म करना है, सिंपल ये आप यहाँ पर क्लिक करें और इसके ऊपर लिखा हुआ है नन, नन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे बैकग्राउंड पे जितने स्टाइल दिए गए होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। एक और बहुत जरूरी चीज, अगर आपने बैकग्राउंड पे कलर लगाया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जब आप उसका प्रिंट लेंगे, देखिए मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूं, तो इसके प्रिंट के अंदर वो बैक साइड पे वो कलर प्रिंट नहीं होगा। ये बैकग्राउंड कलर
सिर्फ आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर शॉर्ट फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। ये प्रिंट की सूरत में आपके पेज के ऊपर प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ये चीज आपके बैकग्राउंड में आपको शॉर्ट फॉर्म में, जब आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।